आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। अनलॉक 4 के चौथे दिन कोरोना की जांच के मामले में दुनिया में भारत सबसे आगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि लगातार दो दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को कोविड 19 के 11,70,000 से ज्यादा जांचें यहां पर की गई है। देश में अब कुल 4,67,69,145 जांचें हो चुकी है। रोजाना संक्रमण की दर 7.5% से नीचे है। मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि रोजाना ज्यादा जांचा के बावजूद ही संक्रमण दर 7.5% से कम है, जबकि कुल संक्रमण दर यहां पर 8.5% से नीचे है। मंत्रालय सुबह 8 बजे अपडेट के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 30,37,151 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं ठीक होने की दर भी 77.15% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर भारत में 1.74% हो गई है। केंद्र के नेतृत्व में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रभावी तरीके से लागू जांच से संपर्क का पता लगाने और उपचार की रणनीति के बदौलत ये नतीजे मिले हैं। वहीं मंत्रालय ने जारी कर दिया है कि कोई भी अन्य देश की जांच के इस स्तर को हासिल नहीं कर सका है। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा जांचें करना के कारण यहां पर संक्रमित व्यक्तियों का जल्दी से पता लग रहा है और उन्हें तुरंत पृथकवास में भेजा जा रहा है। वही समय से उपचार किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर 1% से कम करने का यहां पर लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत भारत में मृत्यु दर 1.74% हो चुकी है। रोजाना 10,00,000 से ज़्यादा कोरोना सैंपल जो भारत में टेस्ट किए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को कुल 11,69,765 नमूनों की जाँच की गई। मंत्रालय ने कहा है कि रोजाना जाँचों में बढ़ोतरी के साथ साथ अब तक कुल मिलाकर 1.7 करोड़ जांचें भारत में हो चुकी है। 4.7 करोड़ यहां पर जांचें हो चुकी है, यानी 4,67,69,145 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के कुल 83,341 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,36,747 हो गई है। संक्रमण के कारण 1,096 लोगों की मौत होने की भी यहाँ पर खबर है। वहीं भारत में मृतकों की संख्या बढ़कर 68,472 हो गई है। गुजरात में शुक्रवार को कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज़्यादा 1,320 मामले की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि नए मरीजों को मिलाकर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,195 हो गई है। वही विज्ञप्ति में बताया गया कि समूचे राज्य में संक्रमण के कारण 14 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई। गुजरात में मृतकों की संख्या अब 3,073 हो गई है। विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में 1,218 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इसके बाद संक्रमण से उभरने वाले लोगों की संख्या यहां पर 82,398 हो गई है। राज्य में फिलहाल 16,219 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजधानी अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 174 नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोविड 19 महामारी से कुल मामलों की संख्या बढ़कर 32,184 हो गई। इसके अलावा 4 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या यहाँ पर 1,745 हो गई है। वही आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को 10,776 नए कोरोना मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही यहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,76,506 हो गई है। वही राज्य में 26 अगस्त के बाद संक्रमण के लगातार यहां पर 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वही 26 अगस्त के बाद ही यहाँ पर 1,04,867 केस नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमित होने की दर यहाँ पर 12.2% हो गई है। वही सरकार द्वारा जारी किए गए ताज़ा बुलेटिन में कहा गया कि कोविड 19 के यहाँ पर 12,334 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। पिछले 24 घंटों में 76 मरीजों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई है। यह लगातार 10वां दिन है जब यहाँ राज्य में 10,000 से ज़्यादा अधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में अभी रिकवरी रेट 77.68% चल रही है। तमिलनाडु में शुक्रवार को कोविड 19 के 5,976 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या यहां पर 4,51,827 हो गई है। वही संक्रमण से 80 लोगों की यहां पर मौत होने की खबर है। वहीं मृतकों की संख्या यहां पर 7,787 हो गई। वही स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि 51,733 मरीजों का उपचार चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में। वहीं विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर 6,334 लोगों को छुट्टी भी दी गई है। अब तक यहां पर 3,52,507 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को 83,799 मामलों की जांच की जाने के बाद अब यहां पर कुल 51,30,441 जाँचें अभी तक की जा चुकी है। चेन्नई में संक्रमण के 998 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें केरल की, तो केरल में कोविड 19 के सर्वाधिक 2,776 मरीजों की संक्रमण होने के बाद यहां पर छुट्टी दी गई है। वह स्वास्थ्य मंत्री
के मुताबिक राज्य में शुक्रवार को 2469 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। वही 11 संक्रमितों में यहां पर दम तोड़ा है। केरल में कोविड 19 के कुल मामले 42,103 हो गए हैं। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा यहां पर 326 पहुंच गया। वही संक्रमण हुए लोगों में से 60 पुलिसकर्मी और 34 स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पर शामिल है। वही बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,305 नए लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में